मैं आज स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगा। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ कुछ लिख के आ रहा है। मैंने पहले भी प्रेडिक्शन किया था कि 2-4 दिन की डेट बढ़ सकती है, 20 अक्टूबर तक की डेट है, लेकिन अब डेट बढ़ेगी ऐसी कोई संभावना नहीं व्यक्त की जा सकती है। तो अगर आप देख रहे होंगे तो ऑनलाइन प्रवेश की जो डेडलाइन है वो केवल 2-3 दिन के लिए बढ़ा दी गई। पहले 15 अक्टूबर थी अगर आपको याद हो, अब 20 अक्टूबर हो गई है। ठीक है, 20 अक्टूबर की डेट का आप लोग फ़ायदा लीजिए और इस फायदे के अनुसार आप लोग फटाफट एडमिशन ATKT जो है उसको क्लियर करिए। ठीक है, बाद में आप लोग इस समस्या में नहीं पड़ेंगे। और मैं नहीं चाहता हूँ कि विलम्ब शुल्क दे करके कोई स्टूडेंट पढ़ाई करे। तो अगर आप देख रहे होंगे तो मैं अब क्लिक करने जा रहा हूँ, मोर पर क्लिक करूँगा। आप लोग भी मोर पर क्लिक करके देख लेंगे। स्क्रीन साफ दिख नहीं रही है तो आप लोग इंटरनेट थोड़ा स्ट्रांग ले लीजिए। 20 अक्टूबर पर्यंत मुदतवाढ़ झालेली आहे। ये मैं क्लिक करके आपको PDF डाउनलोड करके दिखाऊंगा और उसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के क्या गाइडलाइंस हैं और कैसे क्या करना है। इसकी लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, ये देख लीजिए। आपसे आग्रह है कि हर हाल में इसको ज़्यादा विलम्ब मत करिए। 15 तक तो नहीं कर पाए जो, वो 20 तक ज़रूर कर लें। ये देखिए दिनांक 20 अक्टूबर, रात को 11:59 है। अगर 20 को भी थोड़ा लेट लेती होता, 1-2 घंटे कभी कभी सर्वर वो लोग चालू रखते हैं बच्चों के हित में, कभी नहीं बंद करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हर हाल में 20 तक, 20 मत करो, रात का वेट मत करो, दिन में ही करके ख़त्म करो। गलती से आपका दिमाग इस पर ना चला जाए कि 25 अक्टूबर भी कुछ लिखा हुआ था। प्लीज़ डोंट कंसीडर दिस। 25 अक्टूबर आपके लिए नहीं है, इट इज़ फॉर विभागीय केंद्र। विभागीय केंद्र मनसे रीजनल सेंटर की अप्रूवल, कहते हैं ना आप लोग बार बार कहते हैं सर रीजनल सेंटर का अप्रूवल नहीं आया, रीजनल सेंटर का अप्रूवल नहीं आया। तो जब आपका एडमिशन क्लोज होगा तब रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर दोनों अप्रूवल करना शुरू करेंगे। तो यह 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर की तिथि का आप इसको भरपूर फ़ायदा लो। और जितने बच्चे हैं पहचान के हैं, कॉलेज के हैं, स्टूडेंट हैं, जो बेचारे अपना 1 साल ख़राब नहीं करना चाहते, उनको यह वीडियो ज़रूर भेज दें। अगर आपको कोई समस्या हो रही तो आप इन फ़ोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। एक फ़ोन नंबर ये है, ये ईमेल आईडी है वाइसमो नोंदनी @vaismo.digitaluniversity.ac। अच्छा, एडमिशन लेने के पहले मैं बार बार आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि एडमिशन टैब पे जा करके प्रॉस्पेक्टस 2023-24 कम से कम 3 बार पढ़ना, उसमें फ़ीस इत्यादि दी हुई है। और MBA एंट्रेंस के लिए यह बटन का प्रयोग करो। यह जो सूचना है वह किसके किसके लिए है, वह सूचना कृषि को छोड़कर, BEd को छोड़ करके और MBA को छोड़ करके बाकी सबके लिए यह है। लेकिन MBA का मुझे लगता है यही कंसीडर हो रहा है, यह कुछ डेट में चेंज है, इसलिए MBA वालों के लिए अलग से लिंक यहाँ दी गई है। अब मैं आपको थोड़ा चलता हूँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जो एडमिशन और प्रोस्पेक्टस दिखाया है वो दिखा देता हूँ। अगर आपको दिख रहा है स्पष्ट रूप से तो टॉप पर ही एडमिशन यहाँ लिखा हुआ है। इस एडमिशन बटन पर आपको क्लिक करना है। मैं ATKT भी दिखाऊंगा लेकिन पहले आप एडमिशन देख लीजिए। इसमें आपको जा करके ये जो ऑनलाइन एडमिशन 2023-24 इस पर क्लिक करना है और उसके बाद MBA के हैं तो MBA वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम पे क्लिक करना है। और अगर हेल्प डेस्क की आवश्यकता है तो इस पर आप क्लिक करो। और इस चाहे इस पर क्लिक करो या ना करो, लेकिन प्रॉस्पेक्टस मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक यही है। प्रॉस्पेक्टस 2023-24 पर ज़रूर 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 क्लिक करो। यह जो सूचना मैं पढ़कर सुना रहा हूँ यह भी आपके 15 तारीख 14 को अप्रूवल आया, 15 को अपलोड हो गए हैं, पहले 15 अक्टूबर तक था। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सेम यू विल गेट द सेम नोटिफिकेशन फ्रॉम हियर। देखो उस पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ, अच्छा प्रॉस्पेक्टस बटन पे क्लिक हो गया तो प्रॉस्पेक्टस पे आप आ गए। लेकिन ये किसका प्रॉस्पेक्टस है, ये कोई साधारण चीज़ का नहीं प्रॉस्पेक्टस है, ये कृषि का प्रॉस्पेक्टस खुल गया। ठीक है, तो उस पर आप डेट्स वेट्स सब देख सकते हैं। आपको पता होगा प्रिपरेटरी के साथ किसी का जो डिग्री मिलती है यूनिवर्सिटी ने बंद कर रखा है। ठीक है, ये इस बटन पे आपने जो देखा इस पर क्लिक हो गया था। अब मैं इस पर क्लिक करोगे तो भी वही, ये देखो फिर से डाउनलोड अगेन पूछ रहा है, मतलब एक बार डाउनलोड हमने कर लिया है। अब आइए, अब ATKT का आप लोग पूछ रहे होंगे सर ATKT का क्या फंडा चल रहा है ना। तो एडमिशन के साथ साथ एग्ज़ामिनेशन में भी कभी कभी क्लिक कर लिया करो आप। एग्ज़ामिनेशन में जब क्लिक होगा तो दिसंबर 2023
विंटर का जो एग्ज़ाम था उस पर क्लिक कर करने के लिए आप देखेंगे तो बाकी सब जानकारी यहाँ दिया गया। दिसंबर 12 से कितने से 12 दिसंबर से आपका ATKT एग्ज़ाम शुरू होगा, फ्रेश वालों का नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और ध्यान रखना यूनिवर्सिटी ने आपकी डिग्री हर यूनिवर्सिटी की डिग्री के समकक्ष बराबर है, ये चीज़ हो गया। और आप लोग पूछते हैं बार बार सर लिंक कहाँ है ATKT की, तो लिंक भी दे दे रहा हूँ मैं, आप लोग क्लिक करके देख लो ये लिंक कहाँ मिलेगी। ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, आप लोग का एग्ज़ाम का लिंक यहाँ है, ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म सबमिशन फॉर रिपीटर, इस पर क्लिक कर लो। इस पर क्लिक करोगे तो अपना PRN नंबर डाल दो या यूज़र नेम डाल दो, और जिनका अभी तक फॉर्म क्लियरेंस नहीं हुआ है जो रीचेकिंग के लिए डाले थे उन सबसे आग्रह है कि आप लोग या तो ई सुविधा ऐप डाउनलोड कर लो मोबाइल में एंड्रॉयड में, या तो फिर आप लोग लॉगिन कर लो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे लॉगिन कर लो, ठीक है। कहाँ लॉगिन करोगे, स्टूडेंट लॉगिन, और एडमिशन के लिए कहाँ लॉगिन करोगे, ये लॉगिन है। एक्चुअली ये बड़ा ये है ना, इसलिए बच्चों को दिखता नहीं है, ये हो गया, ठीक है। एक चीज़ और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ एक चीज़ आया है, रिपीटर विद्यार्थी के लिए परीक्षा अर्ज भरनासाठी मुदतवाड़, इस पर क्लिक करके भी देखो आप लोग क्या लिखा है, ताकि सबको बताओ। अब डेट बढ़ने की उम्मीद न के बराबर है, कृपया इस बार कर डालो, इस बार मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टाइम इसी बार मिला है कोरोना के बाद। क्यों, क्योंकि अब कॉलेज कब चालू होगा, आपका एडमिशन चलता ही रहेगा अक्टूबर नवंबर तक, तो कॉलेज कब होगा, दिसंबर में ही ATKT एग्ज़ाम है, फिर अप्रैल मई में ही फाइनल एग्ज़ाम है, तो सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। पढ़ाई पे ज़ोरदार ध्यान दो, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड होते रहते हैं उसको देखो, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद अपने मित्रों को ज़रूर भेजो, आने वाली पीढ़ियों को ज़रूर दिखाओ, क्योंकि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा अस्त्र है जिससे किसी भी युद्ध को जीता जा सकता है। पढ़ो पढ़ाओ और सबको शिक्षित बनाओ, और ये जो चीज़ें हैं एक बार इन सब पे ज़रूर नज़र देख लो, जो ऊपर दिया गया ना इस पर क्लिक करके देखते रहो, और रिज़ल्ट आप लोग अपना अपडेट करके हर समय देखते रहो कि रिज़ल्ट में क्या आया, जिन्होंने बैकलॉग फॉर्म दिए थे उनका आया। आज मैं लाइव नहीं आया इसलिए वीडियो बना के देना पड़ा, कल मैं हो सकेगा तो लाइव आऊँगा, अगर किसी का डाउट कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो मैं फिर से उस पर चिंतन करूँगा, उस पर डिस्कशन करूँगा। एग्ज़ाम इवेंट यहाँ साफ साफ लिखा है, ये देखने के बाद ही आप क्लिक फॉर ऑनलाइन प्रोविजनल रिजल्ट क्लिक करिए, है ना, नहीं तो क्या होगा कि आपका समय और टाइम और पैसा ये सब सब दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डाउनलोड होने दीजिए, तब तक अब सब्सक्राइबर थोड़ा आप लोग सब्सक्राइब पे ध्यान कम दे रहे हैं, सब्सक्राइब पे ध्यान देंगे तो आपका भी मैं भला कर पाऊँगा और मेरा भी भला होगा फाइनली। बच्चे बार बार पूछ रहे सर सिल्वर प्लेट मिला कि नहीं यूट्यूब से, कहाँ से मिलेगा, आप लोग भाई थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा प्रगति आप खुद से करिए, बाकी हो जाएगा। ये क्या है, नोटिफिकेशन है, EMI वेरिफिकेशन ना, प्रोग्राम अंडर ये रिजल्ट्स है जो आए थे ना, प्रिपरेटरी मराठी पुराना है, कब का है, 23 का है, जून का है ना। तो अभी नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया डाउनलोड, कहाँ थे हम लोग, कौन सा डाउन नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रहे थे, वी वेर डूइंग ये, अब चूँकि डाउनलोड ये हो गया, नोटिफिकेशन रिपीटर्स फॉर्म ओपन करता हूँ आप लोगों के लिए, हा 12 तक विलम्ब ये था, बिना ऑनलाइन सादर परीक्षा अर्ज सादर करना चाहिए, ठीक है। अतविलंब 500 के साथ, पहले 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर था, अब वह 13 से 25 अक्टूबर किया है, लेकिन विलम्ब शुल्क के साथ,
याद अंतर कोटला ही मुदतवाड़ देना रहा भाई, फटाफट भैया टिकट ही भर दो पाओ, ये लेट फी आ गई है। 6-10 तक जो था वह विधा विलम्ब शुल्क 100 रुपये के साथ था, ठीक है, 1 से 10 तक था। अब 1 से 6 तक को उन्होंने ये करके 7 से 12 कर किया था, और फिर 12 को भी बढ़ा करके 25 किया। 25 के बाद नहीं करेंगे 100% श्योर। तो एटिकेटिक फॉर्म जिसका नहीं हुआ फटाफट भर डालो, समय और सब चीज़ बच जाए। फिर मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।